ठीक है बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, सिक्स क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन तक तो मैं पढ़ा चुका था ना। ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है? ये आपका एक्सरसाइज जो है चैप्टर 3.1 का है ना, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी और क्लास 7 मैथ, राइट। तो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर, देखो 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट का ये क्या दिया हुआ है बेटा, 100 में से कितना नंबर पाए? तो देखो, एक एक ने 85, फिर 76, फिर 90, फिर 21 ने, ना इस तरह से नंबर पाए हुए हैं। तो इसमें से तीन चीज़ें हमें पूछी जा रही है कि हाइएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो भाई हाइएस्ट मार्क्स कौन सा है? तो बड़ा सिंपल हमें दिख रहा है ना, कितना सिंपल दिख रहा है। पहले तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, मान लो वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना है हाईएस्ट कितना है लोएस्ट, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं लिखूंगा मार्क, ऐसे लिखेंगे मार्क, मार्क्स ऑब्टेन ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ऐसे लिख लेते हैं ना, लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो हम इसको ना एक ऑर्डर में लिखते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रेफर करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे, चलो पहले जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं। तो ये देखो 85, फिर 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 81 के बाद 75। अब ये 10 है ना, 3, 2, 5, 3, 2, 5, हाँ। अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँगा, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे को लिखूँगा, सबसे छोटा मेरा क्या है यहाँ पे 48 है, फिर जो है मेरा सबसे छोटा, नहीं 48 से भी छोटा जो है ना मेरे पास 39 है, 39, फिर 48 है, फिर क्या है 48 के बाद 56 है ना, 56 है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आप देखेंगे तो 56 के बाद 75 है, राइट, फिर 76 है, फिर कौन सा है, फिर 81 है, फिर 85 है, फिर अगेन 85 है ना। अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मोबाइल को ऑडियो म्यूट कर लीजिए। अलीशा 85 दो बार है, दो बार हमने लिख लिया, फिर उसके बाद 85 के बाद अब बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, 90 दिख रहा है ना, 90, उसके बाद 95, ये सारा हमने लिख लिया। देखो चार, इधर भी 10 उधर भी 10 है ना, सबको हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अलीशा अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, जो अब क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। चलो भाई हाईएस्ट मार्क्स तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रुको, हाईएस्ट मार्क्स कित, अब इसी में से हाईएस्ट तो जो सबसे लास्ट में होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट मार्क होगा, तो हमने लिख दिया 95। अब उसके बाद लोवेस्ट मार्क क्या हो जाएगा, तो जो सबसे पहले होगा वो लोवेस्ट मार्क्स हो जाएगा। अलीशा आप अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, अलीशा माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब लोवेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, लोवेस्ट जो पहला होगा सबसे, ये पहला है ना, क्योंकि हमने एक ऑर्डर में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहला होता है सबसे छोटा होता है, जो लास्ट में होता है सबसे बड़ा होता है, तो 39 हमारा लोवेस्ट हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन सिक्स का पहला हो गया। अब सिक्स का दूसरा कर लेते हैं इधर कहीं, है ना, सिक्स का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, रेंज द मार्क ऑब्टेन। तो रेंज का फॉर्मूला हमने याद है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, अब यहाँ से रेंज आपका आ जाएगा, रेंज निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखो सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 95 है, माइनस सबसे कम नंबर क्या है, 39 है। तो आपका रेंज कितना आ जाएगा, माइनस कर लीजिए 15 में से 9 गया 6,
ये 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, तो यानी आपका जो रेंज है बेटा, जो आपका रेंज है वो कितना है, 56 है ना, ये आपका रेंज, ये क्लियर है, ये आपका रेंज आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मीन मार्क ऑब्टेन बाय ग्रुप। अब मीन का मतलब क्या होता है कि बीच वाला। देखो एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है मीन। ये हटा लो बेटा, लाल कलर कौन कर रहा है ना, तो इसको हम दूसरे पेज पे करेंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, देखो ये वाला कि मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, ये मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, रुक जाओ देखता हूँ ये उधर आ जाता है क्या। यही हमारा ये यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लिया जाए। रुको रुको रुको, देखते हैं। चलो तो ये देखो, यूसुफ अपना सब लोग अपना माइक म्यूट रखा करो बेटा, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अब यहाँ पे देखो मीन मार्क हमें पता करना है ना, क्या पता करना है। तीसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तीसरा का, वो क्या है, मीन मार्क है ना, मीन मार्क बताइए। तो सबसे पहले देखो ये जो चीज था, ये तो ये यही दिया है ना, डेटा जो हमें दिया हुआ है बेटा यही दिया हुआ है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ये दिया हुआ था तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक ऑर्डर में लिखा, जो सबसे छोटा है उसको पहले, और सब है ना इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब उसके बाद मीन, बीचो बीच वाला, तो देखो बीचो बीच वाला अगर मैं 76 को लेता हूँ बेटा, तो इधर कितने हैं 4, और इधर कितने आ जाते हैं 5, तो वही पंगा है ना, मतलब वही लफड़ा हो गया हमारे सामने। और अगर 81 को लेता हूँ, इधर 4 नंबर और इधर 5 नंबर, तो भी मीन का मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच तो नहीं आ रहा है। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को ही लेना पड़ेगा। देखो इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, इस पूरे को ही लेना पड़ेगा हमको। तो हम देखेंगे इधर भी 4 डिजिट है और इधर भी 4 डिजिट है। अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर नंबर ऑड है तो कुछ अलग फार्मूला बनेगा, और अगर नंबर इवन है तो कुछ अलग फार्मूला बनेगा। देखो अगर नंबर ऑड है तो मीन का फार्मूला क्या होगा, मीन इज इक्वल टू, मान लो ऑड नंबर है तो एन अपॉन में, एन मतलब कितनी बार है, कितने मार्क्स है ना, तो 10 है तो एन अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी नंबर अगर ऑड होता तो, नंबर अगर 9 होता, देखो अगर 9 नंबर होता, सिर्फ ये नहीं होता तो हमारा 76 हो जाता। यानी 76 कितने पे, पाँचवें पे है ना, तो मैं क्या करता, 9 प्लस 1 करके और 2 से डिवाइड कर देता, 5 आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना बेटा, पांचवा भी लेना है और छठवां भी लेना है। देखो इधर से पांचवा भी लेना है और छठवां भी लेना है, तो इवन का फॉर्मूला और जो बड़ा हो जाता है ना, इवन का फॉर्मूला तो और भी बड़ा हो गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम ये सब भुला देते हैं, और हम चूंकि नंबर हमारे पास क्या है, इवन है, 10 नंबर है ना, इस तरह से 10 लोगों ने एग्जाम दिया था ना, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 और 6, 5 पे जो है उसको भी रखेंगे, 6 पे जो है उसको भी रखेंगे, और तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो 5 कैसे आएगा भाई, ये आएगा n अपॉन में n प्लस 1, देखो n प्लस 1 अपॉन में 2, ये 5, इसका वैल्यू क्या आएगा 5, n कितना है, सॉरी हाँ n 10 है ना, रुको, इवन का फॉर्मूला निकालना है ना हमें, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पांचवे पे पहले आने की कोशिश करो। तो पांचवे पे कैसे आओगे, टोटल नंबर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 पांचवे पे आ गया। लेकिन पांचवे का और मुझे क्या करना है, मुझे देखो ऐसे लिखना है, 76 प्लस 81 अपॉन में 2, जितना आएगा वही मीन है। लेकिन 76 किस पोजिशन पे है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 है ना। तो मुझे पांचवा भी लेना है और छठवा भी लेना है, तो पांचवा किस पोजीशन पे है,
सॉरी पांचवे पे नंबर क्या है, पांचवे पोजीशन पे नंबर क्या है, 76, ठीक है ना। तो यहाँ देखो n अपॉन में 2 जब करूँगा मैं, तो n n कितना है, 10 लोग है ना, तो 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो मुझे 5 नहीं रखना है, पांचवे पोजीशन पे जो नंबर है उसको रखना है, ठीक। तो ये तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, इवन नंबर है तो n अपॉन में 2 प्लस, अब उसके बाद छठवें नंबर वाला वैल्यू देखो, ये जो है ये पांचवे पे है और ये जो है छठवें पे है, ठीक है। तो अब छठवा कैसे लाऊंगा मैं, तो मैं ऐसा करूंगा n, देखो ऐसा n अपॉन में 2 प्लस 1 ऐसे कर लूंगा, यानी ये एक अलग नंबर होगा और ये एक अलग नंबर होगा, अपॉन में क्या करूंगा बेटा 2 से डिवाइड करूंगा। अब कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ पे होगा, रुको मैं दिखा देता हूँ, अक्सर बच्चे जो गलती कहाँ पे करते हैं इसमें, ये जो है देखो n अपॉन में 2 कर दूं, चलो n अपॉन में 2 ऐसे कर लिया हमने, 10 ही नंबर है ना बेटा, फिर प्लस किया और फिर n अपॉन में 2, 10 प्लस 2, 10 अपॉन में 2 और प्लस 1 ऐसे कर लिया और सबके अपॉन में 2। अब आप करेंगे क्या, आप ऐसे कर लेंगे, ये आ गया सर 5 प्लस, ये 10 अपॉन में 2 क्या बन गया 5, चलो इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं अभी, है ना, और ये 5 और प्लस, ये देखो ये बन गया 5 प्लस, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ये 5 प्लस 1, ये ऐसा अपॉन में क्या कर देंगे 2। अब गलती आप यहाँ पे करने वाले हैं कि ये 5 10 10 और प्लस 11, तो आप क्या करेंगे 11 अपॉन में 2 जो कि आंसर आप 5.5 लिख देंगे, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना, ऐसा नहीं करना है। ये आपको समझना होगा कि ये देखो ये क्या आया है, ये असल में आया है 5 ऐसा ब्रैकेट में, फिर प्लस 6 ऐसा ब्रैकेट में अपॉन में 2 ऐसा आया है। तो आपको क्या करना है, 5 नहीं रखना है, 5th पोजीशन पे नंबर कौन सा है वो रखना है बेटा, 5th पोजीशन पे नंबर कौन सा है, 76 है ना, तो आपने 76 को रखना है, तो मैं यहाँ पे 76 रखूँगा, प्लस 6th पोजीशन पे नंबर कौन सा है, 81 है ना, तो मैं 81 को रखूँगा, अब अपॉन में 2 करूँगा, तो अब इसको इसका जो आंसर आ जाए तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 8 और 7 15, 157 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो 27 जा 14, ये 27 जा 14, इसमें से 1 बचा 7 बचा, तो 28 जा 16.5, तो 78.5 जो है ना बेटा इसका 78.5 इसका क्या आ जाएगा, मीन मार्क्स आ जाएगा, यानी मैं आंसर में लिखूंगा मीन, इसका आंसर मीन मार्क जो होगा वो 78.5 होगा, ठीक है। ये पूरी स्टोरी समझ में आई, अगर जिसको जिसको समझ में आई वो जरा हाथ खड़ा कर ले, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इसका फॉर्मूला पे जब आता है ना आदमी तो अटक जाता है, समझने में दिक्कत होती है। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, यूसुफ ने चलो हाथ उठाया, यूसुफ को समझ में आया, ठीक है एक बार फिर से समझ लो फटाफट, है ना। इसमें बोला है कि ये डेटा जो है इसका मीन मार्क्स निकालिए, ये सारे मार्क्स आए हैं ना, तो ऐसा मार्क्स चाहिए जो बीचों बीच हो, ठीक है। मतलब पहले मैंने मार्क्स को तो ऐसे दिया हुआ, सफ़ेद वाले की तरह दिया हुआ था, मैंने उसको एक ऑर्डर में रख लिया। अब ऐसा नंबर चाहिए जो बीचों बीच हो, उसके इस तरफ भी 5 नंबर हो, इस तरफ भी 5 नंबर हो, और ये सब एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, ये सारा बढ़ते हुए चल रहा है ना, तो ऑर्डर में पहले होना चाहिए। तो देखो पहले पे 39 है, दूसरे पे 48, तीसरे पे ये ना, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, है ना, इस तरह से है, और दसवें पे 95 है, राइट। तो भाई हमें क्या करना है कि 76 और 81 को लेना है, देखो इधर भी 4 नंबर उधर भी 4 नंबर, लेकिन जब ये नंबर बहुत बड़ा होगा, 100,000 नंबर हो, तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो उस टाइम हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये फार्मूला कैसे है, देखो ये जब नंबर इवन है तो, जब नंबर ऑड होता है ना तो सिर्फ ये वाला कर देते हैं, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन में 2 कर दो, ठीक है। ये जो भी आएगा उस पोजीशन पे चले जाओ, जो नंबर होगा वही क्या होगा, मीन होगा। जब नंबर ऑड होगा तब, ये ऑड के लिए है, जब नंबर ऑड होगा, मान लो 9 नंबर है तो 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन में 2 5, तो पांचवे पे चले जाओ, पांचवे पे जो नंबर होगा वही मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 10 नंबर है, 10 क्या है, इवन है, तो इवन के लिए ये लंबा फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो n प्लस 1 अपॉन में 2 और n अपॉन में 2 प्लस 1 दोनों अलग अलग चीज़ है ना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना कि दोनों एक ही समझ लेना, मैथमेटिकली दोनों अलग अलग है। देखो इसका वैल्यू हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन में 2 और इसका वैल्यू n प्लस 1 अपॉन में 2, तो अलग अलग चीज़ है। तो एनीवे जब नंबर इवन है तो हमें पांचवा भी लेना है और छठवा भी लेना है, तो पांचवा कैसे आ जाएगा, n अपॉन में 2,
नंबर 10 है तो n अपॉन में 2, तो अब ये सब के लिए हो जाएगा। अगर 12 है तो 12 अपॉन में 2 प्लस 12 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7, तो एक 6 लूंगा एक 7 लूंगा, तो यहाँ पे तो 10 है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, है ना, n अपॉन में 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1, इस तरह से ये हमारे पास एक नंबर आया। तो ये ब्रैकेट भी याद रखना चाहिए कि एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में ये। तो देखो ये 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 प्लस 1, तो 10 अपॉन में 2 क्या आया, 5 आया ना बेटा, यहाँ पे 5 आया, और ये पूरा क्या आ गया ब्रैकेट में 5 प्लस 1, तो ये 5 बन गया और ये क्या बन गया, ये 6 बन गया। अब 5 और 6 तुम्हारा आंसर नहीं है, 5 फिफ्थ पोजीशन पे नंबर क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे नंबर क्या है 76, और 6th पोजीशन पे नंबर क्या है 81, तो ये दोनों रखना है, फिफ्थ 5 की जगह पे 76, देखो 5 की जगह पे 76 और 6 की जगह पे 81, क्योंकि यही है। अब रखोगे तो दोनों में से मुझे एक को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज लूँगा, है ना, जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए वहाँ पे एवरेज। अगर तीन नंबर होता और तीनों में से कोई एक लेना होता और तीनों को ही वैल्यू देना है, मतलब इंपॉर्टेंस देना है, तो तीनों का एवरेज निकाल लूँगा, तीनों को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 2 है तो 2 को जोड़ूंगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो 78.5 आ गया। अब 78.5 इनके बीच में कहीं नहीं है, लेकिन हमने मीन निकाल लिया, ठीक है ना। अब 76 और 81 के ही तो बीच में 78.5 आता, तो देखो इधर भी 5 हो जाता, और देखो 78.5 इस नंबर और इस नंबर के बीचों बीच में है, भले इसमें नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो करेगा। तो देखो इधर भी 5 हो गए, उधर भी 5 हो गए, बराबर हो गए। तो ये कहानी समझ में आई, चलो इसको मैं भेज भी दूंगा, है ना, इसको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा बेटा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, द रेन फॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ ए सर्टन वीक हैज रिकॉर्ड एज फॉलो। अब देखो सबसे पहले ना, तो मैथ्स को हटा के पहले ये रेनफॉल इन मिलीमीटर क्या होता है इसको जरा समझ लो, है ना, रेन, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत करेगा, रेनफॉल इन मिलीमीटर। अब क्या दे दिया है, मान लो कि एक किसी दिन का रेनफॉल हुआ है, जैसे आज ही रात को बहुत बारिश हुई, रेनफॉल कितना है भाई, क्वान्टिटी क्या है, तो मैं बोलूँगा 3 मिलीमीटर। तो अब इस 3 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है आज, टुडे रेनफॉल इज 3 मिलीमीटर, रेनफॉल इज 3 मिलीमीटर टुडे, है ना, आज का। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आपने कोई ऐसा एक बक्सा बनाया हुआ है, ध्यान देना, है ना, इस चीज़ को समझ लो, हालांकि मैथ नहीं है लेकिन ये समझना हमें ज़रूरी है, वरना हम जिंदगी भर कन्फ्यूज रहने की, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बक्सा है, ठीक है, एक आपका कैसा बक्सा है बेटा, जैसा भी बक्सा ले लो तुम, जैसा भी बक्सा ले लो, क्यूबिकल ले लो, ये एक बॉक्स हो गया, ऊपर से कैसा है, खुला हुआ है, ये ऊपर से जो है, ये ऊपर से जो है खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें बारिश, इसको कहीं भी रख दो, आज का अगर चेक करना होता कि आज बारिश कितना मिलीमीटर होता, तो एक बक्सा है थोड़ा 1x1 मीटर का बक्सा है ना, ऊपर से खुला हुआ है, इसको ना छत पे रख दो। अब छत पे तुमने रख दिया तो इसमें पानी दे जो है ना, इतना भर गया, कितना भर गया, ये इतना पानी भर गया, ये ऊपर से इतना पानी जो है भर गया है, समझ में आया, इतना पानी इसमें भर गया, कितना नापा तुमने, तो नीचे से जब इसका ऊंचाई नापा तो ये 3 मिलीमीटर आया, जितना पानी भरा बस ऊंचाई नाप लो, तो मैं बोलूंगा ठीक है ये जो रेन है बेटा यही 3 मिलीमीटर रेन है, समझ आया ये चीज। या कुछ नहीं अगर मिल रहा है ना बेटा, कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो एक ग्लास रख दो छत के ऊपर, एक ग्लास रख दो, लेकिन ग्लास ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ये गलती मत करना, ऐसा वाला ग्लास नहीं होना चाहिए, ग्लास आपका ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होना चाहिए, ऐसा भी तो ग्लास आता है, ऐसा भी ग्लास आता है जो ऊपर नीचे बराबर हो। अब इसको छत पर रख दो, ठीक है, और अगर इस ग्लास का मान लो जो भी ऊँचाई हो, यहाँ तक पानी आ गया, यहाँ तक पानी यहाँ तक भर गया बेटा, तो बस ये ऊँचाई नाप लो। अगर ये 2 मिलीमीटर है ना, तो बोल सकते हो आज रात में बारिश जो हुई है वो 2 मिलीमीटर हुई है। तो बारिश नापने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बता दिया, तो बताओ ये बारिश नापने का प्रैक्टिकल तरीका आप लोगों को समझ में आया, जिसको जिसको समझ में आया जरा हाथ उठाए। और नेक्स्ट बारिश जब होगा ना, तो सारे लोग ऐसा घर में ग्लास डब्बा कुछ भी है ना, जितना ऊपर उसका हो उतना ही नीचे हो, वो आप लोग अरेंज करके थोड़ा प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके देखिए, कोई भी डब्बा हो नीचे जितना ऊपर ही उतना, ऐसा तिरछा वाला ग्लास मत ले लीजिएगा, इसमें सही नहीं बताएगा। अच्छा, यूसुफ को समझ में आ गया बारिश कैसे नापते हैं, और किसी को नहीं समझ में आया कि बारिश कैसे नापते हैं, एनीवन? ठीक है, रुको 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 रुको, मैं तुम लोगों को डब्बा दिखाता हूँ।
थोड़ा ये जरा डब्बा देना ना मैडम, ए थोड़ा ये डब्बा देना, थोड़ा डब्बा दो ना ये वाला, हाँ यही वाला, हाँ हाथ में जो ली हो, जो डब्बो डब्बा ली हो हाथ में दो ना। रुको मैं आप लोगों को बारिश नापने का तरीका बता देता हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बारिश नापना, बहुत नहीं तो ये हमें समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। रुको मैं एक डब्बा दिखाता हूँ, देखो ये डब्बा दिख रहा है सबको, ये डब्बा दिख रहा है, ये बिल्कुल कैसा डब्बा है, क्यूबिकल डब्बा है, दिख रहा है ऐसा डब्बा, ऐसा डब्बा घर में सबके पास होता है, या ग्लास होता है, ग्लास वैसा ग्लास जो नीचे ऊपर दोनों बराबर है ना। तो बस इस डब अगर बारिश नापना हो कि आज रात को कितना बारिश हुआ, ये डब्बा मैं ऐसे इसको देखो, ढक्कन से ये बंद है, ये बंद डब्बा है, इसका मैं ढक्कन क्या करूँगा, खोलूँगा ये और इसको बस ले जाके छत पे या आंगन में रख दूंगा, ठीक है ना। अब मान लो इसमें बारिश यहाँ तक आया, आधा इसका बारिश जो है ना बस इसमें आधा आया, तो जहाँ तक इसमें पानी आया है ना बस इसकी ऊंचाई नाप लूंगा मैं, अगर इसकी पानी मतलब यहाँ तक आया है, देखो यहाँ तक पानी आया है, तो मैं या नीचे से लेके इसकी ऊंचाई नाप लूंगा। अगर वो 1 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है, जितना है तो मैं बोलूंगा उतना मिलीमीटर आज का बारिश हुआ है। क्लियर है बेटा ये चीज? तो चलो बारिश को बस ऐसे ही नापते हैं, है ना। तो ठीक है चलो अब अपने ओरिजिनल टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। क्या अभी भी नहीं समझ में आया बारिश कैसे नापते हैं? नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अरे ये हो जाओ, यूसुफ के अलावा किसी को नहीं आया, कोई बात नहीं। अपने घर में ना कटोरा रख देना, कुछ भी रख देना, बारिश जब हो बाल्टी रख देना, चलो बाल्टी ही रख देना, और जितना पानी उसमें आ जाए ना तो नीचे से बाल्टी के नीचे से पानी तक बस उसकी गहराई नाप लेना, ठीक है ना। एक एक ऐसा स्केल डालना पानी में, पानी में एक स्केल डाल के नाप लेना कि पानी कितना है, कितना ऊंचा पानी हो गया बाल्टी में। बस अगर 10 सेंटीमीटर आया तो बोल देना 10 सेंटीमीटर आज का बारिश हुआ है, मिलीमीटर में बताना चाहते हो तो मिलीमीटर में बता देना, ठीक है। तो चलो इसको हम मैं मिटा देता हूँ और अपना क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। तो ये हमें ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है कि बारिश 7 दिन का बारिश कितना है, 7 दिनों में अलग अलग किस्म का बारिश हुआ है, किसी दिन कुछ बारिश हुआ है, किसी दिन कुछ हुआ है। तो इसी का हमसे स्टेटिस्टिक्स पूछा जाएगा, यानी यही जो हम पढ़ रहे हैं इसको स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। तो द रेनफॉल ठीक है 7 दिन का हमें दिया हुआ है, मंडे में इतना 0.00 मतलब कुछ भी बारिश नहीं हुआ, 12 ट्यूजडे में इतना हुआ है ना, इतना ये हमारा 7 दिन का हो गया बेटा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलो ठीक है सबको समझ में आया तो अच्छी बात है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबो डेटा, रेंज। अब ये डेटा देखो दिया हुआ है, कभी मार्क्स वाला डेटा देता है, कभी हाइट का डेटा देता है, कभी आज बारिश का दे दिया, कुछ कोई भी चीज़ का डेटा हो सकता है ना, ये कोई भी चीज़ का डेटा हो सकता है बेटा। जैसे ये भी हो सकता है कि आपके पास एक पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, तो ये भी हो सकता है कि पिछले एक हफ्ते में हर दिन आपने उस पेड़ से कितना आम तोड़ा है, किसी दिन 10 आम तोड़ा होगा, किसी दिन 5 दिन आम तोड़ा होगा, किसी दिन कोई भी आम नहीं तोड़ा होगा, है ना। तो ये हर चीज़ जो भी आप दुनिया में काम करते हो उससे डेटा बनाया जा सकता है। तो मंडे के दिन तो रेंज क्या होता है, चलो रेंज, रेंज जो होता है मैक्सिमम वैल्यू, रेंज जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, अब मैक्सिमम बारिश किस दिन हुआ है देख लो, मैक्सिमम बारिश फ्राइडे के दिन हुआ है, तो यानी 20.5 mm, चलो मैं mm लिख लेता हूँ, मिलीमीटर में है ना। अच्छा मिनिमम क्या है बेटा, मिनिमम कितना है, 1 नहीं लेंगे 0 लेंगे, है ना। तो ये 0.0 mm mm लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, फाइनली हमारे पास रेंज कितना आया, है ना, रेंज कितना आया 20.5 mm, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रेंज आ गया बेटा, है ना। चलो तो दूसरा क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक। अब मीन, तो मीन तो हमने निकालना सीखा है ना, मीन तो हमने निकालना सीखा है, चलो ये भी कर लेते हैं, मीन रेनफॉल क्या है भाई। तो यहाँ से मीन रेनफॉल,
ठीक है, मीन रेनफॉल का फॉर्मूला क्या है? पहले तो हम इस डेटा को लिख लें, लिख लें पहले तो ये डेटा जो दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो गिवेन डेटा हमारा क्या है, 0.0 मिलीमीटर में हटा देता हूँ अभी, है ना। फिर 12.2, फिर क्या है 2.1, फिर क्या है फिर 0.0 दे दिया है, ओके। यानी 2 दिन बारिश ही नहीं हुआ है। फिर 20.5, फिर क्या है 5.5, एंड फिर क्या दे दिया है 1. ये तो गिवन है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। हमने तो यही सीखा है कि एक ऑर्डर में पहले लिखते हैं, तो चलो ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले 0.0, ये पहला हो गया देखो। उसके बाद इसको लेंगे 0.0, ये 2 हो गया, है ना। उसके बाद कौन है छोटा सबसे, उसके बाद 1.0 है छोटा सबसे, ये हमारा 1.0 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 2.1 है ना, उसके बाद तो 2.1 है। उसके बाद कौन है बेटा, उसके बाद 5.5 है, और उसके बाद कौन है 12.2 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही हुआ, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, 6 हुआ है। तो 0, रुको रुको, 0.0 हो गया, 1 भी हो गया, 2.1 भी हो गया। अरे कहाँ गलती हो रहा है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 भी हो गया, फिर 2.1 भी हो गया, 5, हाँ ये 12.2 है ना। आगे ये 20.5 भी तो है ना, 20.5 भी है, ये छूट रहा है। तो देखो 4, 7, देखो मैं देख अलग अलग कर देता हूँ इसको, ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हाँ ये अलग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ अलग है। अच्छा 10 मिनट में अगर बेटा लॉग आउट हो जाए ना, तो आप जो है फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा। अब इस ये कितना है, 7 है ना, तो 7 मतलब ऑड, ऑड है ना बेटा। तो ऑड का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, ऑड क्या है, एन अपॉन में 2 + 1, ये कितना आएगा। अब जितना आए देखो, एन अपॉन में 2 + 1 हमें ऐसा करना है, तो एन अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, एन कितना है, सॉरी एन अपॉन में 2 + 1 नहीं होगा। देखो वैसे आप अंदाजे से पहले करना सीखो, है ना, उसके बाद फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखो तो बीचों बीच तो बेटा यही आने वाला है, बीचों बीच तो देखो यही आने वाला है, ये जो है हमारा ये 2.1, यही बीचों बीच आएगा, यही आएगा। इधर भी 3 है और उधर भी 3 है, राइट। तो ये किस पोजीशन पे, देखो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो बेसिकली हमें ले दे के हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 7 इन्फॉर्मेशन है। तो हमने n की जगह पे 7 अगर रख दिया और 7 अपॉन में 2 करेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। 3.5 का अगला जो नंबर होल नंबर होगा वो हमारा 4 आएगा, और 4 के ऊपर जो होगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। तो आप कैसा करेंगे कि ठीक है, आपने n+1 तो यहाँ ऊपर ही कर लेना है आपको, ऐसे n+1 ऐसे करेंगे, अपॉन में 2, तो n+1 7 + 1 अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 8 अपॉन में 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 4। तो 4 आपका आंसर है क्या, क्या आपका आंसर 4 है। अच्छा ये ऑड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अगर ऑड नंबर है तो मीन का ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। मैं यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला नहीं निकाल रहा हूँ, अगर ऑड नंबर है तो मीन का ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें इवन और ऑड का अलग अलग फॉर्मूला होता है, ये मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मीन जो है मेरा 4 नहीं आया, अभी भी मीन मेरा 4 नहीं है बेटा। फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है ना, फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है वो मेरा मीन है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से अलग हो जाता है कि अरे ये आंसर तो आ गया, नहीं, फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है वो हमारा। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फोर्थ पोजीशन पे तो 2.1 है, तो लिख लो 2.1, और 2.1 ही आपका जो है मीन आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो आप एक बार देखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ऊपर कर लिया है, ये थोड़ा सा जगह जो है कम पड़ गया था ना, हमने इस दूसरे क्वेश्चन को यहाँ भी किया है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ भी है। अब बचा क्या, तीसरा। तो तीसरा क्या है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, है ना। अब कितने दिन जो है, अब देखो मीन रेनफॉल कितना हुआ, क्या पूछा जा रहा है, पहले ये भी तो समझ लो कि कितने दिन जो है, कितने दिन, इसको रुको मैं दूसरे पेज पे ले लूं,
रुको रुको रुको, देखता हूँ दूसरे पेज पे आ जाता है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है दूसरे पेज पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन रेनफॉल जो है मीन रेनफॉल से भी कम हुआ है, कितने दिन। तो देखो 2.1 से, 2.1 तो हमारा मेन मीन है ना, मीन कितना है 2.1, तो 2.1 से कम बारिश कितना दिन हुआ है। तो देखो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, यहाँ पे देखो 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, बाकी दिन तो इससे ज़्यादा हुआ है ना, बाकी दिन में तो 2.1 से बेटा ज़्यादा। 1 मिनट, हम सही है ना। हाँ सही है, 2.1 से क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो 3 दिन आंसर आ गया। ये तो हमें काउंट करके, अब इसके लिए कुछ अभी फिलहाल फॉर्मूला नहीं है आप लोगों के लिए, है ना, कि कितने दिन, तो इसको तो पर्टिकुलर हमें काउंट करना पड़ेगा, है ना, कि मीन हमने निकाल लिया, मीन हमारा 2.1 है, तो 2.1 से कम में, लेस देन द मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल, तो मीन रेनफॉल तो हमारा 2.1 है, तो इससे कम बारिश किस किस दिन हुआ है। तो देखो इससे कम बारिश यहाँ पे हुआ है, ये मीन रेनफॉल पहले बता लें, मीन रेनफॉल हमारा ये है, ये मीन रेनफॉल है, तो इससे कम बारिश किस किस दिन हुआ है। तो इससे कम बारिश देखो ये 1 दिन हुआ, फिर ये 1 दिन हुआ, और फिर ये 1 दिन हुआ, लाल वाला मीन रेनफॉल और काला वाला मीन रेनफॉल से नीचे, तो 3 ही है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं तीसरे का आंसर दूं तो 3 डेज, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दूं 3 डेज, है ना, ये आंसर आ गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 8th क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया बेटा, अब 9th क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। 9th में क्या दिया है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मीजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। भाई हाइट हमने मीजर कर लिया है और उसका रिजल्ट जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सबसे पहले हमने क्या करना होता है बताओ, एक ऑर्डर में लिखेंगे, तभी ये सारा क्वेश्चन होगा, है ना। तो हम इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल, गर्ल्स हाइट मीजरमेंट, मीजरमेंट, ठीक है बेटा। तो चलो सबसे, अब इसमें सबसे हम खुद यहाँ पे डेटा जो दिया इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार नहीं करेंगे, हम इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा जो है, रुको मैं सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है मुझे, 128 दिख रहा है, यही है ना, हाँ तो 128 को लिख लो, 128। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा जो है हमारा 132 है, तो चलो हमने 132 को भी लिख लिया। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा हमारा 135 है। तो देखो जितना क्वेश्चन पे मेहनत करना था ना, वो सारा मेहनत हम इसी असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में कर रहे हैं, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए, देख के सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 135 के बाद जो बच गया उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो उसमें से सबसे छोटा 139 है ना। आप बोलेंगे सर ये कौन, इसी में सारा मेहनत हमारा ये अरेंजमेंट में लग रहा है, उसके बाद मेहनत थोड़ी ना लगने वाला है। 139 हो गया, अब बच गया जो उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 141 है ना, वो 141 है। जो बच गया उसमें सबसे छोटा कौन है, तो वो है 143, वो 143 है। अब जो बच गया, अब जो ये 1 2 3 4 बच गए, तो 146 सबसे छोटा दिख रहा है, 146, ये 146 भी हो गया। अब जो बच गया है उसमें सबसे छोटा 149 है, 149, अरे ये कहाँ से आ गया, 149 है। अब जो बच गया उसमें सबसे छोटा कौन है, अब जो बच गया उसमें सबसे छोटा 150 है, तो 150 हो गया। अब जो बच गया वही लास्ट होगा हमारा, तो ये हो गया 151। तो ये हमारा 10 10 लड़कियां हो गई है ना, मैं इनको नंबर भी दे देता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9 एंड 10। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की कौन है। तो भाई सबसे लंबी लड़की का हाइट क्या है ये पूछा जा रहा है, तो 151, देखो सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना। अब हमें क्या, हमने मैंने बोला था ना, जो सारा मेहनत करना था वो हमने कर लिया,
अब जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे हाईएस्ट लंबाई वाली लड़की है, जिसकी लंबाई कितना है 151 सेंटीमीटर, या जिसमें भी होगा तो मैं लिख लूंगा कि पहले का आंसर हाईएस्ट हाइट वाली लड़की जो है जिसका हाइट है 151 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, बस हो गया, बस इतना ही आंसर है और इतना ही मेहनत भी है। उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो भाई सबसे छोटी लड़की की लंबाई यही होगा ना, देखो ये 128, ये सबसे सबसे छोटा नंबर था, तो लिख लो भाई, ये भी हो गया हमारा 128 सेंटीमीटर, दूसरा भी हो गया बस जो सारा मेहनत था हमारा ना अरेंजमेंट करने में था। तीसरा क्या पूछा जा रहा है भाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैक्सिमम हाइट लिख सकता हूँ या मैक्सिमम वैल्यू, चलो हाइट लिख लेता हूँ, मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट है ना बेटा, तो अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, चलो यहाँ पे कर लेना ये, तो यहाँ से रेंज क्या आ जाएगा, रेंज मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट तो 151 है, मैक्सिमम हाइट 151 माइनस माइनस मिनिमम हाइट कितना है, मिनिमम हाइट तो 128 है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लेना है ना, मैं सेंटीमीटर भूल गया हूँ, चलो मैं अच्छे से है ना सेंटीमीटर लगा के करता हूँ। तो अच्छा अगर लॉग आउट हो जाएगा तो आप फिर से लॉग इन कर लीजिएगा सारे लोग है ना, तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर, तो आपका रेंज आ गया, निकाल लो 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा ना 3, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कहाँ पे थे हम लोग, रेंज निकाल रहे ना, रेंज निकाल रहे थे, तो यूसुफ माइक बंद करो अपना। हाँ तो ये 11 में से 8 गया 3, और ये 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0, तो 43 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है बेटा, रेंज है ना, ये हमारा रेंज है 43 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, मीन हाइट, तो देखो 10 लोग है ना, 10 लोग हैं तो हम हमें किस पे जाना चाहिए, पांचवें और छठे पे चला जाना चाहिए, इसी तरह से कर लेंगे है ना। यहाँ पे मैं मीन का अगर फॉर्मूला लिखूंगा, चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं है ना, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या, हाँ वेरी गुड, मीन का फॉर्मूला पहले कैसे लिखेंगे, एन अपॉन में टू प्लस है ना, इसको देखो ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, एन अपॉन में टू प्लस, फिर एन अपॉन 23 और फिर अपॉन में टू है ना, तो यहाँ एन की जगह पे मैं क्या रखते जाऊंगा, एन की जगह पे 10 रखूंगा, क्योंकि 10 ही है ना, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ जो भी है ना, तो क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें रहती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन की जगह पे मैं क्या रख दूं बेटा 10। यूसुफ माइक बंद करो, माइक बंद करो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये जो है ये क्या बनेगा, ये 5 बनेगा, 5 प्लस ये 2, 10 अपॉन में 2, 5 प्लस 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा है ना, अपॉन में 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे अब 5 प्लस ये जोड़ना नहीं है, ये जोड़ना नहीं है बेटा, आपको करना क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे नंबर कौन सा है वो ला के रखना है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, देखो 141 है ना, तो यहाँ पे 141 रहेगा, प्लस सिक्स पोजीशन पे कौन है, 143 है ना, तो 143 यहाँ पे रहेगा, और अब अपॉन में 2 कर देना है, तो अब ये जितना आ जाए कितना आ जाएगा, 284 है ना, 284 आ जाएगा, अपॉन में 2 कर लो, तो ये 142 है ना बेटा, तो ये 142 हमारा क्या हो गया, मीन आ गया है ना, इनका मीन हाइट, ये समझ में आ रहा है, मीन हाइट कितना आ गया 142 सेंटीमीटर है ना, 142 देता हूँ, ये जो है मीन हाइट, सिर्फ मीन नहीं है बल्कि मीन हाइट है, तो ये मीन हाइट आ गया 142 सेंटीमीटर, समझ में आया ये चीज, चौथा हो गया, और पांचवा क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, अब मीन हाइट से ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका जो हाइट है, जिनकी लंबाई है वो मीन हाइट से ज्यादा है, और मीन हाइट कितना है बेटा 142, तो अब देख लो 142 से कितने लोग ज्यादा है,
देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है ना, है कि नहीं है, ये समझ में आया? तो इसमें अब आपको पर्टिकुलर काउंट करना पड़ेगा, एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। तो 142 से कितने लोग ज्यादा हैं, ये देखो, 143 ज्यादा है। किस नंबर पे है? 6 नंबर पे, तो जाहिर सी बात है 6 7 8 9 10 5 है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली यहीं पे लिख दो, इसका आंसर डायरेक्टली लिख दो, 5 गर्ल्स। अब ये 5 गर्ल्स क्या है, इससे ज्यादा है, मीन हाइट से ज्यादा है। और मीन हाइट से कम कितने हैं ये भी देख लो, अगर मीन हाइट से कम पूछता तो भी 5 है, क्योंकि मीन हाइट असल में जो है ना वो इसके अंदर में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे मीन जो पूछा था ये खुद इसी डेटा के अंदर था, 2.1 मिलीमीटर का जो बारिश है यही मीन हाइट था, तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मीन जो है, क्योंकि देखो, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेटा है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7 7 दिन का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है, वो 10 का है। 10 क्या है, इवन है, इसलिए इवन है, तो इनमें से कोई मीन तो नहीं आने वाला है। लेकिन जब ऑड होता है ना बेटा, तो इन्हीं में से मीन आ जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा 40, तो मीन से ऊपर कितना, 5, मीन से नीचे कितना, 5 ही है ना। चलो ये हो गया, आगे भी कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है क्या? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। लेकिन चलो, कुछ थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि अगला चैप्टर आप लोगों का अगला जो है, रुको जरा देख ले। अभी तक देखो, मीन हमने सीखा, मेडियन जो होता है ना, मेडियन देखो, अर्थमेटिक मीन हमने पता है ना, हमने जो अर्थ अर्थमेटिक मीन जो पढ़ा था, वो अर्थमेटिक मीन क्या था बेटा, उसी की तरह मेडियन है ना। तो रुको, मैं मेडियन ही लिखता हूँ, मेडियन है ना। अगले चैप्टर में आपका यही आने वाला है, अगले एक्सरसाइज में। तो देखो, अगर मेरे पास डेटा दिया हुआ है, मान लो डेटा क्या दिया हुआ है, मान लो कि आप लोगों को कुछ पैसा मिलता है, और आप लोगों का खर्च करना, आपने कितना खर्च किया, 7 दिन में आपने पैसा कितना खर्च किया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे और सेवन्थ। ये क्या है बेटा, ये डेज है, दिस इज वॉट डेज। और आपने कुछ पैसा भी खर्च किया, रुको मैं इसको अच्छे से थोड़ा लिखती हूँ, रुक जाओ ये थोड़ा सा आप लोगों को, यहाँ पे मैं इसके लिए आपको डेज लिख देता हूँ। फर्स्ट डे है ना, ये 7 डे, 1 वीक। और आपने यहाँ पे स्पेंट है ना, पैसा कितना खर्च किया उसके बारे में है ना, स्पेंट मनी, ये स्पेंट मनी। तो आपने पहला दिन खर्चा किया 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये और 11 रुपये। इस तरह से आपने पैसा खर्च किया। ये वन ऊपर वाला क्या है, डेज है, और नीचे वाला क्या है, स्पेंट मनी है। तो अगर मैं आप इसका मीन निकालने की कोशिश करूं, तो आप क्या करोगे, मीन के लिए आपको ये जो भाई मीन निकाली, आपने जो पैसा खर्च किया उसका मीन निकाली, तो आप क्या करोगे, पहले इसको ऑर्डर में लिख लेंगे है ना। और उसके बाद चूंकि डेटा कितना है, 7 है ना, तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 2 प्लस 1, तो सॉरी 7 अपॉन में 2 प्लस 1 नहीं, मैं बार बार मैं भी भूल, ऐसा 7 7 प्लस 1 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, 4। तो फोर्थ नंबर पे चले आओ, लेकिन अभी तो फोर्थ नंबर पे ये है ना, ये नहीं होगा, पहले आप इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मीन तो हमने सीख ही लिया, मीडियन, मीडियन जस्ट एवरेज की तरह होता है, जस्ट एवरेज जो होता है वही आपका मीडियन है सिंपली, ठीक है। तो चलो, लेकिन पहले इसको इसको अब एवरेज निकालने के लिए, चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, सबको जोड़ना पड़ेगा, और जितने हैं उतने से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम मेडियन बोलते हैं। तो देखो, मेडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, मेडियन का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल डेटा, ऐसे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल डेटा। अब डेटा नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन आपको जो समझ में आया, अभी 7th में हो, जो समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, तो जो हमें समझ, अब डेटा तो देखो यही है ना, यही है ना बेटा, तो सम ऑफ डेटा कर दें, सबको जोड़ दें, तो सबको जोड़ दो। चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 10 प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और जोड़ लेते हैं ना। तो जोड़ लो, देखो 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 22, 22 और 14 36, 36 और 5 39, 39 और 7
छियालीस, छियालीस और नौ पचपन, पचपन और ग्यारह, पचपन और ग्यारह 66 हो जाएगा ना, तो ऊपर हो गया 66, नीचे 7 है ना, डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कर लो, तो बस ये जितना आ जाए, तो 7 9 63, 9.42 कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। ये तो ये हमारा क्या है, मीडियन है, मतलब एवरेज भी यही है, यही एवरेज भी है बेटा। तो इसको मीडियन बोलूँ या अर्थमेटिक मीन बोलूँ या फिर मैं एवरेज बोलूँ, बात एक ही है। क्या ये समझ में आया? अभी अब आगे की क्लासेज में जाओगे तो कुछ और तरीके से बताया जाएगा, बट अभी सिंपल सिंपल समझो कि मीडियन का मतलब एवरेज निकालना, मीडियन का मतलब एवरेज। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, एवरेज। थोड़ा सा और हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसको सही तरीके से सीखेंगे, है ना, मतलब ऐसे नहीं, एवरेज इसमें फिर थोड़ा सा आगे चल के फर्क हो जाए। तो मीडियन समझ में आ गया, जो भी दिया है उतने को जोड़ो, और जितना नंबर में वो है, 10 है ना, देखो 10 नंबर थे ना, सॉरी यहाँ पे 7 है ना, तो 7 से डिवाइड कर दिया। एवरेज समझो या मीडियन समझो, बात एक ही है। अब आते हैं मोड की तरफ, है ना। मोड क्या होता है, मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, है ना, बस थोड़ा थोड़ा। अब मोड क्या होता है बेटा, तो चलो मोड और आसान है। मोड तो एकदम, मतलब कि आप बोलोगे सर फिर ये चीज़ का मतलब क्या है, मोड तो और आसान है। तो मोड देखो, यहाँ पे डेटा दिया, सेम यही डेटा को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, देखो, या लिख लेता हूँ, कुछ नया डेटा लिख देता हूँ, वैसे ही अगेन डेज और स्पेंड डेज। तो डेज में 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज और 7 डेज। और यहाँ पे सेम वही लिख देता हूँ, स्पेंट मनी, स्पेंट मनी, आपने कितना खर्च किया ना, पहले दिन में आपने खर्च किया 15 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 35 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर 5 रुपये, और फिर 1 रुपया, है ना, ऐसा रुपया आपने खर्च किया। तो अब इसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन चलो अगर नहीं भी लिख, तो पहले तो लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर इसको लिख लोगे अभी बेटा तो सब आ कैसा हो गया। जाएगा, 5, फिर 5, नहीं 5 5 नहीं आएगा, पहले क्या जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, है ना, देखो। उसके बाद 15 आ जाएगा, है ना, उसके बाद 20 आ जाएगा, उसके बाद 35 आ जाएगा, और उसके बाद 40 आ जाएगा। तो सर इससे क्या हुआ, देखो इससे एक चीज़ हुआ कि मोड बहुत आसान चीज़ है। मोड देखो कि कौन सा नंबर मल्टीपल टाइम आया है, ज़्यादा बार आया है, तो सब तो एक ही बार आया है ना, सारे नंबर तो एक ही बार आए हैं। ये 5 जो है ना, ये 2 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, तो यहाँ पे यही मोड हो गया, यही मोड हो गया, मोड क्या हुआ, 5। तो ये तो बहुत इजी है ना बेटा, मोड निकालना तो बहुत इजी है। अगर देखो ऐसा दे दिया होता, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और इसको भी, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और 1। तो अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आ जाता, मैं यहाँ पे भी 1 रहने देता, और ये ना, मतलब ये डेटा पूरा चेंज हो जाता ना बेटा, ये पूरा चेंज हो जाता। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता इस वाले को, तो कैसे लिखता, 1 फिर 1 फिर 1, 3 तो ऐसे ही हो गए, फिर 5 लिखता, फिर 35 लिखता, और फिर क्या लिखता भाई, और फिर 5, तो वैसे भी 2 बार है, 5 2 बार है ना, 5 जो है 2 बार है, फिर 35 लिखता, फिर 40 लिखता। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, सबसे ज़्यादा बार तो 1 है, 3 बार है ना, 3 बार है ये, 3 बार है। अब हमारा मोड क्या हो जाता, अब हमारा मोड जो है वो 1 हो जाता, तो है ना आसानी। तो मीन मोड और मेडियन समझ गए, मीन मीन हमने 2 बार इससे पहले वाले क्लास में भी देखा था। मीडियन क्या है, मीडियन जो है वो एवरेज है, एवरेज बहुत आसानी से हम समझते हैं क्या होता है। और मोड क्या है भाई, मोड तो एकदम ही आसान है ना, मोड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा जो आया, मैक्सिमम नंबर है ना, वही क्या है, वही हमारा मोड है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा जो होगा वही मोड होगा। ये बात समझ में आई बेटा? तो चलो थोड़ा सा अभी, चूंकि एकदम से मैं आप लोगों को, आपके बुक में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का दिया हो, लेकिन मैं अभी एकदम से आपको नहीं देने वाला हूँ। अब आप बुक को देखेंगे, बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिया है उसको देखेंगे, और ये जो मैंने बताया है इसको मैच करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा, है ना, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको भेज दूंगा, तो आप भगा भगा के जहाँ पे नहीं समझ में आए देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये पूरा क्लास जो है ना, किसको किसको समझ में आया, जरा हाथ उठा देंगे,
सब लोगों में से किसको किसको ये क्लास समझ में आया है, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। समरीन आपको आया है बेटा? फोटो में ही हाथ उठा दो, वीडियो में ही मैं समझ जाऊंगा। अल यूसुफ को आया है, समरीन को शायद नहीं समझ में आया है। तुम बेटा वहीं से हाथ उठा दो अपना, अपना सिर्फ राइट हैंड उठा लो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें। अच्छा नहीं समझ में आया इसका मतलब। और अलीशा को आया है कि नहीं आया है? अलीशा को भी समझ में नहीं। अच्छा समरीन को नहीं समझ में आया लेकिन ज़बरदस्ती हैंड रेस कर रही है ताकि बेइज्जती ना हो। और अलीशा को तो आया ही नहीं है। ओके कोई बात नहीं, देखो फिर से अगर मैं समझाता तो इसी चीज़ को समझाता है ना। अगर मैं मेरे से आप फिर से पूछेंगे तो फिर से यही चीज़ बताऊंगा। तो मैं वीडियो भेज रहा हूँ आप लोगों को है ना, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। फिर नहीं समझ में आएगा ना तो कुछ व्हाट्सएप पे ना मुझसे ऑडियो में ना मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पे ना इस जगह पे मुझे समझ में नहीं आया सर। आप नीचे जब यूट्यूब चलाते हैं ना तो उसमें जो है ना टाइमिंग आता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर सर ये टाइम पे ना मुझे समझ में नहीं आ, बार बार देख रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए फिर से, तो मैं दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा है ना। तो चलो बेटा आज का क्लास जो है ना क्लोज करते हैं, आज के लिए इतना ही। और आपका जो होमवर्क है ना, रुको होमवर्क होमवर्क आपका क्या है, अगला चैप्टर है ना 3 पॉइंट, जो आपका होमवर्क है वो दैट इज व्हाट, ऑल क्वेश्चन ये करके आप लोग मुझे भेजेंगे है ना। ठीक है बेटा, तो चलो 3.2, हाँ 3.2 बेटा सही है, 3.2 है राइट। ठीक है ना, तो चलिए अब आप लोगों से मैं कल मिलूँगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।